अभी हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर महादेव। तो दोस्तों, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अपनी गाड़ी से ही आ सकते हैं, और अगर जिप्सी वगैरह है तो भी आ सकते हैं, लेकिन पैदल तो आपको चलना ही होगा मेरे भाई। अभी देखते हैं यहाँ पार्किंग की कहाँ जगह है, आगे जा पाती है कि नहीं। ये देख लीजिए, ये आ गया। मुझे लगता है यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी अपन। तो भाई, पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर परिसर में, और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है। खूब बड़ा सा ग्राउंड है, आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देख लो, बहुत सारी दुकानें हैं इधर। चलें, सारी दुकानें हैं प्रसाद की इधर। ले लिया, मोबाइल के लिए कवर भी मिल जाएगा। ये देख लो भाई, ये अपन लोग अब चल रही पैदल। इस गेट से लगभग 1 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये सभी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। बहुत सारे भोलेनाथ की शिवलिंग, शंख मिल जाएंगी। और हमारी पार्टी आ रही है थकते हुए। छोटू, कितना दूर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर। अच्छा, क्या इसका इतिहास पता है मंदिर का? क्या जानते हैं? गाइड को ले जा दिया। अच्छा, गाइड, एक 50 रुपए वाला गाइड था। कहाँ गया लड़का था, छोटा सा? ये कहाँ से मोटर बाइक आ गई यार? सब लोग एक बार जयकारा बोलो। हर 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 महादेव। पता है, अगर थक जाए तो आपके बैठने के लिए यहाँ पे सीट वगैरह लगाई गई है। ये देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और बीच से अच्छा रास्ता गया, पक्का रास्ता गया, बट गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती, पैदल ही आना पड़ेगा। ये देखो यार, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं पचमढ़ी, तो जटाशंकर महादेव जरूर आइए, स्किप मत करिए। चौरागढ़ कर सकते हैं स्किप, क्योंकि वहाँ चढ़ाई है और 3-4 घंटे लग जाएंगे चढ़ने में। उतरने में 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा, या फिर उतर जाएंगे। आवाज़ सुन रहे हो? अभी मंदिर के नज़दीक आ रहा है पल्लू। अब और नजदीक आ गए अपन लोग।
यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं आके। हॉर्स राइडिंग हो गई, ये मोटर बाइक हो गई। अभी पूछते हैं कितना क्या प्राइस लगता है इसका, ठीक है? इसका कितना है? 100 रुपीज़ में कितना दूर ले जाएंगे? लास्ट तक पार्किंग तक जाएगा। और हॉर्स राइडिंग का? हॉर्स राइडिंग का भी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में हॉर्स राइडिंग भी होती है। हाँ जी, अब और नजदीक आ गए अपन लोग। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं आके। हॉर्स राइडिंग हो गई, ये मोटर बाइक हो गई। अभी पूछते हैं कितना क्या प्राइस लगता है इसका, ठीक है? इसका कितना है? 100 रुपीज़ में कितना दूर ले जाएंगे? लास्ट तक पार्किंग तक जाएगा। और हॉर्स राइडिंग का? हॉर्स राइडिंग का भी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में हॉर्स राइडिंग भी होती है। हाँ जी, ये देखो अब अपन मंदिर परिसर में एंट्री कर चुके हैं। ये देख रहा, अब हम लोग नीचे नीचे जाएंगे। ये हनुमान मंदिर है, लास्ट में दर्शन कर। चलो चलते हैं। वीडियोग्राफी तो अलाउ है? हाँ, अंदर था बना है। अच्छा, ये देख रहे अपन लोग अब बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ गाइड मिल जाता है 50 रुपये में, जो सभी चीज़ें बताएंगे। हाँ रोको थोड़ा, यहाँ से मेरा बैंक चालू हो रहा है, तो देखना सुनना भी। हाँ जी, ना इकट्ठा ना, देखना भी है सुनना भी आपको, ठीक है? सबसे पहले जो आपका काली माता है उनका दर्शन करो। सामने कुछ नाम लिखा हुआ है, मूर्ति का किशन लाल, उसके ऊपर देखिए चेहरा लेटा छोड़ा। हाँ जी, जीप हो गया, नाक हो गया, मुकुट हो गया, दिखता सब लोग लेटा हुआ है। ये देखिए काली माता का है, अब सुनने का है। जहाँ मूर्ति का था किशन लाल शेर, उनकी आखिरी मूर्ति है। ऐसे बोलते हैं कि सफर जा रहे थे, उनका हाथ टूट गया था, बना नहीं पाया, तो ये मूर्ति अति छोटी है, अधूरी। क्योंकि ये काली माता बनाना कठिन होता है, बाद में क्या गुजर गया, अच्छा हो गया, तो दूसरा कलाकार नहीं बना, उससे अधूरा डला हुआ है। अच्छा अच्छा, जो किसी ने नहीं बनाया वो देखना है। ये बीच वाला पार देखिए, पार एलिफेंट का ग्रीन वाला, ये आप सामने देख रहे हैं, ये वाला आकार, ये एलिफेंट जैसा दिख रहा है, देख रहे हो? प्राकृतिक दृश्य है। और सामने महादेव की एक प्रतिमा बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। ये उसी कलाकार ने बनाया हुआ है जिसने काली जी बनाया था। अच्छा, जिसने काली जी बनाया था उन्हीं ने ये बनाया है। कलर पेंट कर दिया है। अच्छा, ये जिम करके बैठे हुए हैं बॉडी बिल्डर। हाँ जी, और ये जो बॉडी देखते हैं, बॉडी खतर की है, उसको जीने वाली जो हाथ है, जो पैर है, तो उन्हें क्या सीमेंट की जोड़ दिया है। अच्छा, पैर हाथ सीमेंट के, जो बॉडी है पूरी खतर की है। अच्छा, पूरा पत्थर के बनी हुई है, बॉडी पत्थर की है, बाकी सीमेंट से बना हुआ है और वो जोड़ दिया है। ये देख लो यार, बहुत ज़बरदस्त। नीचे है, नीचे जाना पड़ता है। अभी देखो
भोलेनाथ और पार्वती जी की प्रतिमा बनी हुई है पत्थर से काट के, ये देख रहे हो। जय भोलेनाथ, ये देख रहे हो पत्थर से बनी हुई है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अभी माथे पे तिलक रखेंगे सभी। हर हर महादेव, हर महादेव। चलो अब हमें नीचे उतरना है, ये देख लो। अब हम आ गए हैं महादेव के घर में। ये जो पचमढ़ी जो है महादेव का दूसरा घर है, पहला घर कैलाश में है और दूसरा घर पचमढ़ी में जटाशंकर। अब हम चल रहे हैं नीचे और नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ शहद कड़वा होता है यार, वैसे तो मीठा होता है। इधर पानी बहुत ठंडा है नीचे, अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। ये पूरा का पूरा मंदिर डूब जाता है जब बरसात ज़्यादा होती है ना, तो फिर ऊपर से ही दर्शन करके चले जाते हैं सभी लोग। ये देखिए जटाशंकर महादेव। ये देख रहे हो ये जो आकृति है, ये फन लग रहा है, शेष नाम का फन। ये जो है ये मगरमच्छ है, यहाँ शिवलिंग बनी हुई है, मगरमच्छ है ये। पानी बहुत ठंडा है। अंदर मंदिर है एक छोटा सा बना हुआ है, अब देखो चलते हैं अंदर फिर दिखा दूँ। आइएगा जब के आना पड़ेगा। आ जाओ ना पकड़ के ले आओ। देख रहे हो ये गुफा है, वाओ। अब अंदर कुंड है शायद, ये जाने नहीं देते हैं अंदर। त्रिशूल डूबा हुआ है बिल्कुल, वो देखो पत्थर लटका हुआ है।
पचमणी के अंदर संगत जी का पांच मंदिर है, पांच। हाँ जहाँ भजन भी है। हाँ सूर ने तपस्या किया था, वशिष्ठ ऋषि ने जी, वशिष्ठ ने। हाँ शंकर जी वो सब किया था, भस्मासुर ने, राक्षस। हाँ तो शंकर जी बोलते क्या चाहिए तुम, और कुछ चाहिए जो हाथ वरदान जी हाथ। हाँ बोले तो। हाँ तो उन्हें बहुत तपस्या किया जा, ठीक है आप शंकर जी बोलते दे तो दिया, और उसको क्या पार्वती पसंद आई थी जिसके सर पे हाँ जिस सर कहाँ तक पसंद आएगा, जहाँ पश्चिम के अंदर शंकर जी जटा छोड़ दिए, जटा बाल बाल जटा शंकर इसीलिए। हाँ दूसरा एक बार चौड़ागढ़ त्रिशूल। हाँ उसमें मानता मंदिर, मानता पूरी होती तो दोबारा लौट के जा सकते हैं आप, मैं उसमें आपको 1365 ऐसे सिटी जाना पड़ेगा। हाँ उसमें आपके 4 से 5 घंटे जाना और आना, 5 घंटे। तीसरा का जो नाग द्वार है उनका जो गले का नाग छुड़ गया है। हाँ नाग आपने सुना है, धूपगढ़। हाँ धूपगढ़, धूपगढ़ नीचे नाग द्वार है, उनका गले का शेष नाग छुड़ गया है, उसको नाग द्वार। चौथा का जो नंदीगढ़ है उनका नंदी छुड़ गया है, उसको नंदीगढ़। अच्छा पाँचवा जो बड़े महादेव उसमें जहाँ विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था, जैसे भगवान विष्णु ने तो नाचेगा ने वरदान दे दिया था, तो जब वो जा रहे थे तो उनकी जटाएं छूट गई थी, तो ये पत्थर जो हैं जटाएं जैसे लगते हैं, इसीलिए यहाँ जटा शंकर बोलते हैं। और बड़ा महादेव है वहाँ पे, बड़ा महादेव पे मोहिनी रूप बना के भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म किया था, इसलिए वहाँ बड़ा महादेव बोला जाता है। ये है पत्थर, ये वही वाला है जिससे क्या नाम है राम सेतु बनाया गया था, वही पत्थर है ये पानी में तैर रहा है, ये डूब नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं डूबता है। हाथ में उठा सकते हैं, उठा के देख लें, भारी है ना पत्थर, ये भारी है, ये डूबना चाहिए, बट ये अच्छा पत्थर है, ये डूब नहीं रहा। पकड़ो मुक्तेश्वर महादेव गुफा, ये एक गुफा है यहाँ मुक्तेश्वर महादेव की। जय भोलेनाथ, मुक्तेश्वर भगवान है, भाई महादेव के दर्शन तो कर लिए, और ये वाला लास्ट एपिसोड था जो कि मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और एक मैं ब्रीफ में आपको एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा, कहां कहां घूमना है, कहां नहीं घूमना, कितना खर्चा हुआ और कितना खाने पे हुआ, कितना रहने पे हुआ, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा आने वाले ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।